हाँ भाई, अगर आपको भी अकाउंट बनाना है अपना डिजी लॉकर में तो आप इसमें बना सकते हो, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ले जाना, कहीं आपको कुछ अकाउंट खोलाना होता है या कोई भी जहाँ आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, और आप उसे डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट बताते तो वो वैलिड माने जाएंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। तो इसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ जाते हैं। तो इसे आपको कैसा अकाउंट बनाना है डिजी लॉकर में, वही आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं डिजी लॉकर में अकाउंट कैसा क्रिएट किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में आ जाना है मोबाइल के, और सिंपल सा आपको ऊपर एक सर्च बार मिलेगा, इसमें जाके आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। जैसे आप डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे तो यह आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आपके इसमें अपडेट बता रहा है तो इसे अपडेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पहले से आती है। अगर नहीं आया तो आप इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल से एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ डिजी लॉकर को, और सिंपल से यहाँ देख सकते हो अभी मेरा एप्लीकेशन खुल रहा है। यहाँ से आपकी अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, हर लैंग्वेज इसमें मिल जाती है। सिंपल से मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ यहाँ से नीचे क्लिक करके। उसके बाद देख सकते हो इसमें आपको सारे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो दिखाई जाते हैं, और इसमें ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट रहते हैं, लीगली रहते हैं। ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो, ये सारे वेरीफाइड होते हैं। तो सिंपल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ देखो यहाँ डबल नेक्स्ट पे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे लेस गो का, सिंपल सा इस लेस गो वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। चलिए इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। इसमें देख सकते हो आप आधार कार्ड, पेन वेरिफिकेशन, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, हर आपको इसमें जितने भी आपको मिल जाएंगे, आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट है सारे दिख जाएंगे। तो ये ऑलरेडी आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए हमें नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है गेट स्टार्ट का, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। अब इसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, एक है साइन इन का, एक है क्रिएट अकाउंट का। तो साइन इन वाले किसके लिए होता है, जिसमें पहले से ही अकाउंट क्रिएट हो जाता है उसके लिए होता है, पर हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो सिंपल सा हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट। अभी इसमें आपको ध्यान से रखना है, आपको इसमें अपना सही डिटेल भरनी है, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फुल नेम में आपको क्या करना है, आपका जो भी नेम है, जो आपका ओरिजिनल नेम है आधार पे, वही आपको इसमें नेम डाल देना है। जी हाँ, आपको इसमें वही नेम डाल देना है, सिंपल सा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन मिल रहा होगा डेट ऑफ बर्थ का। अब डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होंगी वो डालना है, सिंपल सा मैं यहाँ डाल देता हूँ। और उसके बाद यह इसे मैं क्लिक कर देता हूँ, और यह लिख देता हूँ मैं जो भी डेट ऑफ बर्थ है मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यह क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मेल फीमेल, तो आपको जो भी आपको सिलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड से अटैच हो, या कोई भी डाल सकते हो, बट आधार कार्ड से जो अटैच हो वही डाल देना, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपल सा ये अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, जो भी ईमेल आईडी है सिंपल सा उसको एंटर कर देना है। देन नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेट 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड आपको इसमें सेट करना होगा, क्योंकि ये आपको जब भी आप इसके बाद अकाउंट लॉगिन करोगे ना, तो आपको उसमें एक सिक्योरिटी कोड मांगेगा, जो कि ये आपका कोड रहेगा। तो सिंपल से उसको आपको सेट कर देना है, और इसे आपको क्या करना है, नोट पैड में जाके इसे कॉपी करके पेस्ट करना है, क्योंकि इसको आपको कभी भी काम आ सकता है। चलिए हमने यहाँ से पिन डाल दिया, आपने भी डाल दिया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे का ऑप्शन मिलेगा सबमिट वाला, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अभी देखो ये आप बोलेंगे वेरीफाई मोबाइल ओटीपी, तो जो भी आपका नंबर पर ओटीपी है वो ज़रूर से आ जाएगा, नीचे से आपको बता रहा है वेट फॉर इतने सेकेंड। इसके बाद आपको कोई टच नहीं करना है। अगर ओटीपी नहीं आती है आपके इसमें बाय चांस, तो आपको क्या करना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा आपको री ओटीपी का। तो सिंपल सा आपके इसमें हर एक से बार ओटीपी आ जाएंगी। तो देख सकते हो मेरे इसमें ओटीपी आ चुकी है, सिंपल सा मैं इंटर कर देता हूँ। देख सकते हो आपके सामने ये ओटीपी यहाँ दिख रही है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ से डालने के बाद सिंपल सा ये ओटीपी मेरी हो चुकी है। अब मैं सिंपल सा यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देख सकते हो आपके सामने मेरा यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, वेरीफाई आधार नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, अपना जो भी आधार नंबर है वो एंटर कर देना है। अब जो भी आपका आधार नंबर हो सकता है 16 डिजिट का, वो आपको इसमें डाल देना है। बट आपके पास में एक शर्त है कि उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आपके आधार कार्ड से, और ऑलरेडी मेरे को मालूम है होगा ही होगा, क्योंकि अभी डिजिटल में आपका कई भी ओटीपी है तो लगेंगे आधार कार्ड से। तो ऑलरेडी आपका आधार नंबर इसमें एंटर कर देना है, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि आपका नंबर रजिस्टर है या नहीं। आपने अपना आधार नंबर डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे का ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। चलिए देखो जैसे ही इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी इसमें आधार नंबर है ना, उस पर एक ओटीपी आ गई होंगी। तो सिंपल से आपको क्या करना है, ओटीपी को इसके अंदर डाल देना है। चलिए ओटीपी मैं एंटर कर देता हूँ।
देख सकते हो आपके सामने यहाँ से मेरा हो चुका है। अभी सिंपल सा मैं क्या करूँगा, देखो यह एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ का, सिंपल सा अलाउ पे क्लिक कर देना है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर आपको देखो ये अभी वेरीफाई बता रहा है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ये वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आपको इसमें कुछ डिटेल भरनी होगी, और उसके बाद आपके इसमें देखो यहाँ देखने के लिए मिलता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वे सब ये आपका मिल जाएगा। उसके बाद आप इसमें सर्च भी कर सकते हो कौन सा आपको आईडी चाहिए, इशूड चाहिए। देखो इसमें इशूड में आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो, मेरे इसमें अभी थोड़ा देर लगेंगी और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसके बहुत फ़ायदे हासिल कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।